हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग आप? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा। सबको दशहरा की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से, फ्लाइंग मींस एंड सृजन, जो जिनके थ्रू हम लोग आज ऑनलाइन जा रहे हैं, तो उनके थ्रू सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसे हम लोग अभी तक बहुत सारे अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट के डिज़ाइन, बहुत अच्छे अच्छे सेशन जैसे लेके आ रहे हैं, वैसे आज ही हम लोग एक नया सेशन लेके आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं मंडला आर्ट। ओके, तो ये मंडला आर्ट, जैसे आपको पहले भी लिस्ट भेज दी है मटेरियल्स की, तो हम लोग फिर से एक बार लिस्ट रिवाइज करेंगे कि हमें क्या क्या लगता है मंडला आर्ट के लिए। ओके, तो मंडला के लिए बेसिकली जो नॉर्मली हमारे पास होती है वैसे ही एक स्केल लगेगी, सीडी मार्कर, ओके, ब्लैक सीडी मार्कर, मार्कर पेन, ओके, देन अ जेल पेन, एक अपना जो नॉर्मल स्केच पेन होता है, स्केच पेन, सम पेंसिल्स, कंपास एंड प्रोटेक्टर, ये चीज़ें लगेंगी। मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लिया है जो हमें मंडला के लिए, और मैंने जैसे बताया था मटेरियल्स में भी कि एक मैंने डायरी भी ली है, तो इस डायरी में हम लोग क्या करेंगे आज, तो थोड़े से मैं आपको कुछ डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ कि जिसमें आप जो आप मंडला में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो कुछ कुछ डिज़ाइंस की हम लोग प्रैक्टिस लेंगे और उसके बाद हम लोग जो मेन मंडला आर्ट है वो आज स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये मंडला आर्ट आज हम लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट में करने वाले हैं, पर हम लोग यही मंडला आर्ट कलर पेन से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कलर पेन है, तो ये 0.5 नंबर के कलर्स पेन है, 0.4 नंबर में भी आता है, तो ये कलर पेन से भी हम लोग कलरफुल मंडला आर्ट कर सकते हैं। बट जो मंडला आर्ट है, बेसिक मंडला आर्ट जो बहुत पुराने ज़माने से अभी तक आता था, तो वो मंडला आर्ट बेसिकली ब्लैक एंड वाइट यही कलर से बनता था। आजकल ये अलग ट्रेंड से ट्रेंडी हम लोग अलग अलग कलर्स, अलग अलग पेंस यूज करके भी ये चीज़ें कर सकते हैं, जो जैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बेसिक मंडला में आज जो आपको सिखाने वाली हूँ वो तो ब्लैक एंड वाइट से ही आएगा। ओके, हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे कि जैसे ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे लोग ज्वाइन होते हैं हमारे व्यूवर्स, तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, और वन मोर थिंग, आपने लास्ट सेशन को भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे लाइक्स मिले, बहुत अच्छे रिव्यूज थे, बहुत अच्छे व्यूवर्स थे, सो आप सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और सृजन की तरफ से भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सृजन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आज आपसे मिलने आ सकती हूँ, हम लोग ये सेशन अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए थैंक्स सृजन कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, जो कुछ मेरे पास आर्ट है वो आपको दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सृजन। ओके, हम लोग एक जस्ट 5 मिनट्स रुकते हैं, तो उसके बाद मंडला आर्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये जो मंडला आर्ट, में तब तक आपको मंडला का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या होता है मंडला आर्ट। ओके, तो मंडला आर्ट बेसिकली जैसे बोलते हैं कि ये बहुत पुराना आर्ट है, जो बुद्धास, जो बुद्धिज़म्स थे, तो उनके जो टेंपल्स थे, तो वहाँ पे ये बेसिकली ये वहाँ से आया है हमारे पास। मंडला का मीनिंग है सर्कल, सर्कल को संस्कृत में मंडला कहते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप आगे आगे सेम डिज़ाइन रिपीटेडली होती है इसमें, तो इसे बोलते हैं मंडला आर्ट। इसमें सेम ज्योमेट्री यूज़ की जाती है कि जो इक्वल पोर्शन में इक्वल डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन रिपीटेडली किए जाते हैं, तो इसलिए इसे मंडला आर्ट बोलते हैं। और सेकेंड ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि मंडला आर्ट से बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। आप लोग जब भी मंडला निकालोगे तो आपको भी ये फील होगा कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। ये एक थेरेपी है, ये एक टेक्निक है कि जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट में तो बहुत सारे प्रेग्नेंट वूमन्स है, तो उनके लिए भी ये माइंड रिलैक्सिंग के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मंडला आर्ट करना।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जो दिखाऊंगी तो आप जरूर जरूर घर पे ट्राई करना और उसके फोटोज शेयर करना, पेज पे शेयर करना, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। और दूसरी चीज, ये मंडल आर्ट ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ पेज पे निकालो। मंडल आर्ट आप वॉल पे निकाल सकते हो, मंडला से आप बेडशीट बना सकते हो, पिलो कवर्स पे मंडल आर्ट बन सकता है, या आप जैसे अपना बुक मार्कर होता है वो बना सकते हो। तो मंडल आर्ट आजकल हम लोग किसी चीज में भी कर सकते हैं। एक बार आपको टेक्निक समझ में आ गई तो आप बहुत अच्छे से आपका मंडल आर्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं जैसे मैंने बताया कि हमें एक डायरी लगेगी, तो जस्ट डायरी में आपको बेसिक थोड़े कुछ डिजाइंस बता रही हूँ मैं आपको, तो उस डिजाइंस देखते हैं। चलो जस्ट मैंने एक सिंपल डायरी ली है, एक नॉर्मल प्लेन डायरी, कि जिसमें हम लोग कुछ डिजाइंस ड्रॉ करेंगे, बेसिक बॉर्डर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट बॉर्डर। सो हम लोग फर्स्ट बॉर्डर जस्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं ये बना रही हूं रेक्टेंगल्स। मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है, दूसरा रेक्टेंगल में दोनों में थोड़ी सी स्पेस है, वैसे ही मैं तीसरा निकाल रही हूं। ओके, और बाद में जस्ट एक स्लीपिंग लाइन से मैं ये कनेक्ट कर दूंगी। ओके, ये एक हमारी फर्स्ट बॉर्डर बन गए। सेकेंड बॉर्डर हम लोग सिंपल ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से भी हम लोग ये ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हम लोग थर्ड बॉर्डर देखेंगे, सर्कल्स। और इसके अंदर एक छोटा सर्कल। ओके, लेट्स सी द फोर्थ वन। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज की जो कुछ समझ में नहीं आए, प्लीज आप कमेंट कर दो, तो मुझे वो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज चाहिए। ओके, तो मैं आपका जो कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ। उसके बाद हम लोग मैंने एक जो स्क्वायर निकाला है, ओके, उसके बाद मैंने 1, 2, 3 लाइंस निकाली है, अगेन स्क्वायर, अगेन 3 लाइंस, स्क्वायर। ओके, ये एक बॉर्डर हम लोग बना सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज, इसे बोलते हैं चक्री। ओके, तो ये जैसे चकली बनाते हैं हम लोग, वैसे ही ये होती है चक्री, तो ये भी मंडला में यूज होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, उसके बाद हम लोग जस्ट बनाएंगे, ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है, जस्ट ये मैं ट्रायंगल्स निकाल रही हूँ, तो उसके बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने जॉइन किए हैं। ओके, और उसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल। और एक हम लोग एक डिजाइन देखेंगे, ये मैंने स्क्वायर बनाया है, वो स्क्वायर जस्ट 1, 2, 3, 4, 5 जस्ट ट्रायंगल्स अंदर करते जाना है। मैंने स्क्वायर ही किया है, बट द कंटिन्यू स्क्वायर,
ओके, ये भी बहुत अच्छी दिखती है डिज़ाइन जब हम लोग मंडला में यूज करते हैं। देन वन मोर डिज़ाइन हम लोग देखेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिप। ओके, जैसे गणपति का मोदक होता है वैसे ही हम लोग ये ड्रॉप बना रहे हैं। ये मैंने एक साइड से लिया एंड देन फ्रॉम द अदर साइड, और इसके बीच में हम लोग नीचे से हाफ सर्कल ले रहे हैं। कंटिन्यू अप अप, ओके, और यहाँ पे मैंने जस्ट ब्लैक स्पॉट्स किए हैं उसमें। इसमें और एक चेंज करना हो आपको तो आप इसमें ही अंदर एक और एक और ये डिज़ाइन भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ही आपको दो डिज़ाइंस बताए हैं 8 नंबर में, कि आप एक तो ब्लैंक भी रख सकते हो या फिर जस्ट उसमें डबल राउंड भी अंदर कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने जस्ट ज़िगज़ैग निकाला है। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल्स और इस साइड से भी छोटे छोटे ट्रायंगल्स, तो इसको आप ये छोटे ट्रायंगल्स को लाइन से भी फिल अप कर सकते हो या फिर हम लोग स्केच पेन का यूज करके ये कंप्लीट फील अप भी कर सकते हो। स्केच पेन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे डार्क बॉर्डर बनानी हो या फिर फील करना हो तो स्केच पेन इज मोर इजियर। ओके, जहाँ पे बहुत पतली डिज़ाइन हो, बारीक डिज़ाइन हो, तो वहाँ पे हम लोग जेल पेन यूज़ कर सकते हो, 0.5, 0.4 ये यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे यहाँ पे ये मार्कर का मैं बता दी हूँ, ये थोड़ा सा डार्क आता है। ओके, ये देखो, तो इस हिसाब से हम लोग ये भी कर सकते हैं। ओके, ये अल्टरनेट ऐसे कर सकते हो, दोनों साइड में ब्लैंक करना हो दोनों साइड में ब्लैंक कर सकते हो, दोनों साइड में लाइन बनानी हो दोनों साइड में लाइन बनानी हो, जैसे चाहिए वैसे बॉर्डर। और ये कंटिन्यू आगे करनी है, मैं आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट में बता रही हूँ, बट ये कंटिन्यू आगे पूरे मंडला में करनी है। आपको कैसे ये बॉर्डर्स यूज करनी है मैं बाद में बता दूंगी। और एक हम लोग डिजाइन देखेंगे, इसे बोलते हैं पेटल शेप, और इसके अंदर जस्ट मैंने डॉट्स दिए हैं। ओके, और ये यहाँ पे ऐसे नीचे लाइन भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आप देख सकते हो, एक बार आप देखने चाहते हो कि अलग अलग टाइप मैंने बताए हैं कि जिसमें हम लोग बॉर्डर्स अलग अलग कर सकते हैं। ओके, और कुछ अभी 11th वन बॉर्डर, अभी ये बड़े बड़े बॉर्डर्स जैसे कि ये लोटस पेटल जैसे आती है वैसा शेप है। ओके, तो इसको जस्ट बीच में लाइंस लगा रही हूँ मैं, एंड स्ट्रेट लाइन, मैं वन साइड ओनली लेफ्ट साइड से लाइंस ले रही हूँ, राइट साइड में मैंने अभी तक लाइंस नहीं किए हैं, वन साइड मैंने जस्ट लाइंस बनाए हैं। ओके, और दूसरे साइड में मैंने जस्ट एक चक्री जैसे बना दिया। ओके, ये एक आपकी बॉर्डर बन गई। और हम लोग
ये तीन इसमें एक बड़ा लीफ बना दिया। ओके, यहाँ पे मैंने बीच में दोनों के बीच में एक एक पॉइंट, ठीक है, ये मैंने पेंसिल से मैं सेंटर पॉइंट लगा रही हूँ। इसके बाद वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, फाइव पेटल्स का ये फ्लावर बन गया। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, इसके अंदर जस्ट वन वन लाइंस। ओके, आप ये डॉट्स दे सकते हो या अल्टरनेट भी कर सकते हो। हम लोग आज 15 डिजाइन्स देखने वाले हैं, ये आप एक बार ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये और एक चीज कर सकते हैं कि ये जो ब्लैंक पोर्शन है जिसे हम लोग फिल अप कर सकते हैं, इसे बोलते हैं फिल्टर्स, फिल। ये मैं फील जो कर रही हूँ वो सारा ब्लैक स्केच पेन से कर रही हूँ। देख सकते हैं ओके, ये भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं हाफ सर्कल बीच में एक डॉट दिया है, उसके अंदर से छोटा एक हाफ सर्कल, ओके, और यहाँ पे मैंने जस्ट ये लाइन से और इसके अंदर सेम में फाइव पेटल्स का फ्लावर कर रही हूँ। स्ट्रेट नेक्स्ट इज, एक मैंने जस्ट ये हम लोग स्केल भी यूज कर सकते हैं। स्केल यूज करके यहाँ पे ओके, जस्ट मैंने ये पेटल जो शेप है वही है, बस मैंने वो स्लीपिंग मोड में किया है। ओके, उसके अंदर ही एक एक लाइन और उसके अंदर छोटा सा पोर्शन है जो मैं कलर कर रही हूँ। ये क्रिएटिविटी आपके मन से आपको चाहिए वैसे चेंज कर सकते हो।
के यहाँ पे ही आप और चीज करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ऊपर से फ्लावर्स बना सकते हो. ओके एंड द लास्ट हम लोग अभी ये बॉर्डर देखेंगे. आपको और बॉर्डर्स देखने हो तो मेरे पेज पे भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे पिक्स हैं कि जो आपको गाइड कर सकते हैं. ओके और आप भी आज के सेशन की लास्ट बॉर्डर मैं बता रही हूँ, तो इसके लिए हम लोग जस्ट जो पेटल शेप मैंने आपको बताया था लोटस पेटल वैसे ही मैं निकाल रही हूँ. बीच में एक लाइन की है मैंने. ओके वन साइड zigzag है. ओके एंड द अदर साइड हाफ सर्कल्स थ्री लाइंस, हाफ सर्कल्स थ्री लाइंस, हाफ सर्कल्स थ्री लाइंस, हाफ सर्कल्स थ्री लाइंस. ओके एंड जो फर्स्ट वन है वो फील अप कर रही हूँ मैं, तो ये जैसे मैं फील कर रही हूँ. वन मोर एक फिर से मैं आपको करके बता रही हूँ, ट्राइंगल्स ओके एंड थ्री लाइंस, थ्री लाइंस, थ्री लाइंस, हाफ सर्कल थ्री लाइंस और ये जो छोटा सबसे पोर्शन आता है वो हम लोग पूरा ब्लैक कर रहे हैं और ये जो है वहां पे हम लोग ट्रायंगल्स बना रहे हैं. यहाँ पे भी हम लोग एक से जस्ट कंटिन्यू बॉर्डर कर सकते हैं. तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे चाहिए तो मैं ये डार्क पेन ले रही हूँ उससे ये हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू डबल बॉर्डर भी कर सकते हैं. एक बार फिर से उसको दिखाती हूँ. जस्ट मैंने ये फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया है जिस बीच में एक लाइन, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, यहाँ पे स्क्वायर से विथ थ्री लाइंस, ये चक्री है, ट्राइंगल्स, यहाँ पे चौकोन है और उसमें अंदर राउंड राउंड चौकोन में ही अंदर जा रहे हैं हम लोग. ये ड्रॉप शेप है, जिगजैग है, पेटल शेप है. ये बेसिक बॉर्डर्स है. ये लोटस पेटल है, ये भी लोटस पेटल का एक टाइप है. हाफ सर्कल है, ये स्लीपिंग बॉर्डर है और ये एक लोटस टेपल का एक बॉर्डर है. जैसे हम लोग अलग ये बहुत ही बेसिक बॉर्डर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ. आपको और डिजाइन चाहिए और बॉर्डर्स चाहिए तो आप मेरे पेज पे भी जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो. ओके तो ये बॉर्डर्स अपनी हो गए हैं. तो इसके बाद हम लोग अभी मेन चीज़ देखेंगे कि जो है मंडला. तो मंडला आर्ट कैसे करते हैं, मंडला कैसे बनाते हैं, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. ये अभी मैं जो साइड में रख रही हूँ मैंने ये जस्ट ब्लैंक पेज लिया है. ओके आप सब लोग भी मेरे साथ बना रहे हो तो जल्दी से ये ब्लैंक पेज, कोई भी ड्राइंग पेपर का पेज चलेगा, कोई भी पेज जस्ट ब्लैंक हो तो बहुत अच्छी बात है. ओके तो एक ब्लैंक पेज ले लिया है. उसके बाद ये जो पेज है इसके सेंटर में जैसे ये देख लीजिए, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे मैंने जस्ट एक डॉट करके लिया है. दूसरे पेज का ये जो स्टार्टिंग है वहाँ से मैंने ये डॉट कर दिया है. उसके बाद अभी मैं जस्ट ये जो अपना कंपास है तो इसका यूज करके मैं सर्कल्स बनाने वाली हूँ. अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप आपके पास जो कोई कटोरी हो या कोई प्लेट हो जो राउंड हो और जिसके अंदर के छोटे छोटे प्लेट्स भी आपके पास हो तो उससे भी आप लोग सर्कल बना सकते हो. नो इश्यूज़ कि आपको कंपास ही चाहिए. ओके तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये मेरे पास नॉर्मल स्केल है
तो सबसे पहला जो सर्कल आएगा इट विल बी 2 सेंटीमीटर्स. ओके, ये 2 सेंटीमीटर्स का फर्स्ट सर्कल है. सेकेंड सर्कल आएगा 3 सेंटीमीटर्स. अभी जो मैं डिजाइन सिखा रही हूं मैं उसके आपको मेजरमेंट्स बता रही हूं. ओके, तो ये जो सर्कल्स है ये आपके हिसाब से छोटे बड़े आप कर सकते हो. 3 सेंटीमीटर्स के बाद मैंने नेक्स्ट सर्कल लिया है 4 सेंटीमीटर्स का. सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट सर्कल 6. And the next last second is 7 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे मेजरिंग स्केल से मेजर करके करिए. ओके, एंड द लास्ट राउंड इज फॉर 11 सेंटीमीटर्स. टेन सेंटीमीटर्स. ओके, ये लास्ट वाला सर्कल है. आपको मैं सर्कल के मेजरमेंट्स फिर से बताती हूँ. दिस वन इज 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स, 7 सेंटीमीटर्स एंड द लास्ट इज 10 सेंटीमीटर्स. ओके, ऐसे हम लोगों ने ये जस्ट राउंड बना के लिए है. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट बीच से एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है. जो हमारा सेंटर पॉइंट था वहां से मैंने लाइन निकाल के ली. ओके, देन प्रोटेक्टर से मैंने जस्ट 10 10, ये आपको आपको दिखेगा, ये 10 10 सेंटीमीटर्स पे मैं डॉट करके ले रही हूँ. सेम थिंग फॉर द अपोजिट साइड. सेम यहाँ पे जो 10 होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 50, 160 and 170. ओके, तो अभी ये जो डॉट्स है ये बीच वाले डॉट्स है मैं ये सीधी लाइन ज्वाइन कर रही हूँ. आप देख सकते हो ये मेजरमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जस्ट ये सारी डॉट्स में ज्वाइन करके ले रही हूँ. तो ये हमारा पूरा सर्कल ऐसे ही ज्वाइन करके, हमें ये सारे डॉट्स ज्वाइन करके पूरा सर्कल बनाना है. ओके, तो ये सारे डॉट जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका पूरा सर्कल ऐसे दिखेगा. हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैंने ये चीज पहले ही बना के रखी थी, ये जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं. ओके, तो ये हमारा बेसिक सर्कल मंडला रेडी है. तो अभी हमें पहले डिसाइड कर लेना है कि हम लोग यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले. तो मैंने आज ये डिजाइन सोची कि मुझे बीच में मेडिटेशन ऑफ बुद्धा जो जैसे होता है तो वैसे बुद्धा मुझे निकालना है.
और उसके बाद मुझे उसके साइड से पूरा मंडला बनाना है। ओके, तो आप लोग हाथ से भी मंडला जो कुछ डिजाइन चाहिए, अभी मैंने तो बुद्धा लिया है, आपको जो कुछ दूसरी कोई भी डिजाइन चाहिए हो तो वो आप भी सेंटर में ले सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहिए हो तो आप नहीं लिया, डायरेक्टली पूरा मंडला बना दिया, तभी भी मंडला बहुत अच्छा बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक जस्ट छोटा बुद्धा लिया है, तो हम लोग ये यहाँ पे ट्रेस करके ले रहे हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए या कुछ आना चाहिए, आप लोग ये डायरेक्टली कुछ चीज़ें ऐसी लेके ट्रेस करके भी आप बना सकते हो। ओके, तो ये मैं जस्ट इसकी बॉर्डर बना के ले रही हूँ, इसकी बॉर्डर बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बना के लिया है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये करनी है हमें कि जो हमारा पेंसिल मार्क है वो सारा थोड़ा सा लाइट करना है, बिकॉज हम लोग जो यूज कर रहे हैं पेन और जेल पेन यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पेंसिल से जो कुछ ड्रॉ किया था बुद्धा वो मैं डार्क करके लेती हूँ पहले। जो मैंने बनाया था बुद्धा ये अच्छे से ट्रेस करके ओके, तो ये हमारा बुद्धा रेडी हो गया। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये जस्ट मैंने सिंपल बुद्धा ट्रेस करके लिया है और ब्लैक पेंसिल्स को बॉर्डर किया है। ओके, तो इसके बाद मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कर रही हूँ, जस्ट एक सिंपल इरेजर से जो कुछ हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो इरेज कर रही हूँ। स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो बॉर्डर है ये जो बुद्धा के पीछे का सर्कल है वो मैं पहले डार्क करके लेती हूँ। ओके, ये जो मैंने जस्ट बॉर्डर बनाया है, मैंने जैसे आपको बोला था आपको कोई भी चीज़ डार्क बनानी हो तो आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जो हाथ के बीच में भी जो गैप है वहां पर भी मैं ब्लैक कलर से भर रही हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट सर्कल हो गया। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे हम लोगों को नेक्स्ट में क्या करना है।
तो अभी नेक्स्ट सर्कल जैसा छोटा है तो मैं यहाँ पे जेल पेन ही यूज कर रही हूँ। तो उसमें मैंने जो बताया था आपको पेटल शेप, तो वही पेटल शेप जो हमारी लाइन है, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, तो उसी का गाइडेंस लेके मैं ये बना रही हूँ। ओके, उससे बाहर नहीं जा रही हूँ, उसके अंदर ही उसी डायरेक्शन से, उसी मेजरमेंट से मैंने ये सारे हाफ पेटल्स बनाए हैं। ओके, थोड़ा सा जो पेटल बनाते हैं वैसे ही बनाया है, उसके अंदर एक एक स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ। जस्ट मैंने एक स्ट्रेट लाइन दी है उसमें, और उसी लाइन के ऊपर एक डॉट। ओके, तो हमारा सेकेंड सर्कल भी रेडी हो गया। ये देखिए, अभी आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे हाफ हाफ ये सर्कल्स दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो गैप है, तो ये मैं गैप भी भर देती हूँ। ओके, तो ये पूरा राउंड बन जाएगा। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, ब्लैंक स्पेस, वो भी ब्लैंक स्पेस मैंने फील कर दिया। नेक्स्ट राउंड देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने जो हम लोगों ने चकली शेप सीखा था, उसी को मैं ओवल बना रही हूँ थोड़ा सा, जिसे हम लोग चकरी कहते हैं। तो वही चकरी मैंने थोड़ा सा ओवल शेप में लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो ओवल है, तो वो मैं ओवल में कंटिन्यू कर रही हूँ। ये पूरी ऐसे ही ये हाफ सर्कल ये पूरा बनाना है। इसको भी मैं सेम चीज कर रही हूं, इसको भी हम लोग बीच की गैप। जैसे जैसे हमारे सर्कल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे डिजाइंस बड़ी बड़ी होती जाएगी, वहां पर गैप बड़ा होगा, स्पेस बड़ी होगी, तो उसी हिसाब से हम लोगों को डिजाइंस फाइनल करने हैं। ओके, तो ये जस्ट मैंने हाफ पोर्शन, ये ऐसा ही पूरा सर्कल बनाना है। अभी मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, तो पूरा ये बनाना है। ओके, तो उसके बाद के एक बॉर्डर में बता देती हूँ जस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे एक और दो, ये आपको लाइंस दिख रही होंगे, तो ये दो लाइन का मैंने गाइडेंस लिया है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो उससे मैं ये एक पेटल बना रही हूँ। यहाँ पे सेम थिंग, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
ओके, ये जस्ट मैंने आपको हाफ बताया है, ये पूरा हम लोगों को ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन इसमें ये फिलअप कर रहे हैं जिसे मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पे मैंने जस्ट ये स्ट्रेट लाइन बना ली है, इसी स्ट्रेट लाइन को सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड में बना रही हूँ, दूसरी साइड में अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। अब से फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सर्कल में लेफ्ट हैंड साइड की सारी लाइंस फिल अप कर लो। ओके डन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग ऑन द नेक्स्ट साइड ट्रायंगल्स बना रहे हैं। ये डिज़ाइन मैंने आपको बॉर्डर्स में भी दिखाई थी, वही डिज़ाइन मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ। और यही ट्रायंगल्स में बीच का जो पोर्शन है वो भर देना है। जैसे ही धीरे धीरे ये जब भी आप करोगे ना, तो आपको भी ये मतलब मंडला में क्या है, तो हम लोग जो कुछ डिज़ाइन ले रहे हैं वो पूरी रिपीटेटिवली पूरे सर्कल में बनानी है। और इसे आप करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसे बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, आपका जो कुछ स्ट्रेस हो कुछ हो तो वो निकल जाता है। मैं आपको ये हाफ हाफ बता रही हूँ क्योंकि अपने पास बहुत कम टाइम है समर। ओके, तो यहाँ तक हो गया है। तो इसके बाद अभी ये यहाँ पे बीच में आपको ये स्पेस दिख रही है, राइट? तो यहाँ पे ये पूरे फिलअप करने की वजह से मैं उसके बदले मैं जस्ट यहाँ पे एक फ्लावर बना दूंगी। ओके, हम लोग एक काम करेंगे, इसको हाफ सर्कल लेंगे। ये यहाँ के बॉर्डर से यहाँ तक, यहाँ पे पूरा ऊपर टच होना चाहिए एंड देन गो आगे जाना है। ओके, और ये 1 2 3 थ्री पेटल्स का मैंने छोटा सा फ्लावर यहाँ पे फिल कर दिया है। और इसको डबल बॉर्डर कर दी है। आराम से कर लेना। ओके, तो ये जस्ट मैंने ये यहाँ पे डबल बॉर्डर कर ली है और ये जस्ट यहाँ पे जो कुछ स्पेस है अपनी वो मैं मार्कर से कंप्लीट भर रही हूँ। देखिए धीरे धीरे मंडला बढ़ते बढ़ते जा रहा है और इससे
बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसी फ्लावर्स में मैंने एक लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट, लाइन एंड डॉट, ये जो सारा मैंने भर दिया है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मंडला आर्ट में कि आप अगर कोई चीज डार्क कर रहे हो तो उसके आजू बाजू में लाइट कलर, मतलब ब्लैंक स्पेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क किया है तो मैंने ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दिए क्योंकि मुझे दोनों शेड में डिफरेंट, अभी जैसे मैंने ये बुद्धा बनाया है तो पीछे मैंने डार्क किया है बट बुद्धा मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, राइट तो ये समझ में आना चाहिए कि लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पर एक लेवल डार्क होनी चाहिए, एक लेवल लाइट होनी चाहिए, तभी आपका मंडला उभर के आएगा, उठ के दिखेगा। ओके एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ ये ठीक से देखना। यहाँ पे मैंने लाइन्स है जो मैंने गाइडलाइंस है तो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ से जस्ट यहां तक मैं जस्ट ये साइड से ज्वाइन कर रही हूं। जस्ट ठीक से देखना मैं कैसे बना रही हूं। ये लेफ्ट हैंड से सिर्फ राइट हैंड के कॉर्नर तक मैं थोड़ा सा बेंड लाइन दे रही हूँ, थोड़ी सी बेंड लाइन दे। ओके आप देख सकते हो मतलब ये थोड़ा डायगोनल लाइन जाता है। सारे डायगोनल लाइंस मैंने ज्वाइन कर दिए, आपको दिखेगा ये डायगोनल लाइंस कैसे दिख रहे हैं। ओके और इसके बाद की जो स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई है बट इसको मैं कनेक्ट करूंगी इस लाइन से। ओके मैं पूरे पेटल्स बना के ले रही हूँ, एक दूसरे में जॉइंट पेटल्स है ये, तो इसका एक इजी टेक्निक मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है कि फर्स्ट पहले एक पेटल बना के लो एक साइड की और फिर दूसरे साइड से पेटल जॉइंट कर लो, तो आपको पता चलेगा बहुत ही अच्छा और बड़ा फ्लावर अपना रेडी हो जाएगा। देखिए जैसे लोटस बनता है वैसे ही ये रेडी हो गया। ओके तो इसमें अभी ये मैं जो बीच का पोर्शन है जैसे आप देख सकते हो ये जो बीच का पोर्शन है वहां पे मैंने लाइंस मार ली है।
बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है हमें और बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं रखना है। प्रॉपर सिमेट्री में ही मंडला आना चाहिए, तभी आपका मंडला अच्छा लुक देगा। ये होने के बाद यही चीज सेम हमें पूरे सर्कल में करनी है, और इससे और मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना हो तो यहाँ पे भी मैं एक ट्रायंगल बना के उसको भर रही हूँ। ओके, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है मैंने और उसको फील कर दिया है, आपको दिखेगा। इसी तरह से आप पूरा ये सर्कल भर सकते हो। अभी मुझे और एक चीज चेंज चाहिए तो मैं यहाँ पे छूट गया था। ओके, तो ये वाली बॉर्डर मुझे डार्क बनानी है, तो मैंने स्केच पेन से इसको थोड़ा सा थिक कर दिया है। आपको बॉर्डर थिन बनानी हो तो आप लोग अपना जेल पेन जो होता है वो यूज कर सकते हो। पूरा ऐसे जस्ट थिक बॉर्डर बना सकते हो। ओके, मैंने 3/4 पोर्शन ऑफ मंडला बताया है। इसमें ही आपको अगर कोई कलर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर लाइंस में पर्पल करनी है तो मैं ये पर्पल लाइंस अल्टरनेट भी कर सकती हो। टू कलर में भी मंडला बहुत अच्छा दिखता है। ओके, ये अभी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट मंडला है। हम लोग ये कलर पेंस यूज करके से भी हम लोग अलग अलग कलर का शेड्स का मंडला बना सकते हैं। तो अभी मैंने एक मंडला आपके लिए पूरा बना के रखा है कि यही मंडला पूरा कैसे दिखता है, तो वो मैं जस्ट बताती हूँ आपको। तो ये When you complete your mandala, आप सारे सर्कल जब कंप्लीट करोगे तो आपका मंडला इतना ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा बन सकता है। जस्ट मैंने जो आपको सिमेट्री बताई है, जो कोई मेजरमेंट्स बताए हैं, उसी हिसाब से करना तो आपका मंडला इसी हिसाब से बहुत ही अच्छा बन सकता है। ओके, यही मंडला आप कलरफुल भी कर सकते हो, यही मंडला आप प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट में भी बहुत अच्छा लगता है। और आपको चाहिए वैसे आप इसमें डिजाइन चेंज कर सकते हो, पैटर्न चेंज कर सकते हो, आप लोग कलर्स चेंज कर सकते हो, उस हिसाब से हम लोग अपना मंडला बना सकते हो। और मंडला जरूर करके देखना, आपको बहुत बहुत खुशी होगी, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैं यहाँ पे फिर से मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने ये सेशन अच्छे से देखा अच्छे, और मेरे पेज फ्लाइंग विंग्स जहाँ जो आपको बताई है कि फ्लाइंग विंग्स क्लब, उसे भी लाइक करना। और थैंक्स श्रूजन कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और प्लीज़ लाइक श्रूजन पेज ऑल्सो, श्रूजन के पेज को भी बहुत लाइक करना। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ आती है, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे भी सेशंस रखे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। सो प्लीज़ लाइक श्रूजन पेज, प्लीज़ लाइक फ्लाइंग विंग्स, और ऐसे ही हमें जुड़ते जाना, ऐसे ही हमारे साथ रहना और लाइक करना, और प्लीज़ आपने बनाया हुआ मंडला भी हमें शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।